दोस्तों आईपीएल 2023 का त्यौहार जमकर मनाया जा रहा है और दर्शकों के बीच एक अलग ही उत्साह और खुशी का माहौल है और इस माहौल का सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही कारण है और वो है भोजपुरी कमेंट्री। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जियो सिनेमा पर हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ भोजपुरी में भी कमेंट्री किया जा रहा है और जिधर देखो उधर ही इस कमेंट्री का चर्चा हो रहा है, क्योंकि कमेंट्री को खास बना रहे हैं भोजपुरी स्टार रवि किशन। आईपीएल के पहले ही दिन अपने महादेव और महाकाल की कृपा से भौकाल मचा दिए और जिस तरह से अपने कमेंट्री का जलवा बिखेर रहे हैं वो अलग ही लेवल का है, क्योंकि जो लोग भोजपुरी को जानते और समझते तक नहीं थे वे लोग भी अब भोजपुरी में कमेंट्री का आनंद उठा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में रवि किशन ने ANI से बातचीत के दौरान बताया कि मैं क्रिकेट का बहुत ही बड़ा फैन हूं और अपने साथी सांसद मनोज तिवारी और बाकी साथियों के साथ खेलता भी हूं और खेल के अंदर की बारीकियों का पता होने के कारण आईपीएल 2023 में अपनी मातृभाषा कमेंट्री करना मुझे और स्पेशल बनाता है। यूपी बिहार जैसे राज्यों को मिलाकर पूरे देश में लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं, तो इस हिसाब से मेरा यह ड्यूटी बनता है कि मैं अपनी मातृभाषा के प्रमोशन में जो बन सके वो योगदान करूं। मुझे भोजपुरी कमेंट्री के लिए बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है, दुनिया भर से लोगों का कॉल आ रहा है, खूब पसंद किया जा रहा है और भोजपुरी कमेंट्री को सबसे हाई रेटिंग भी मिला है। साथ ही साथ ये भी बता दे दोस्तों कि रवि किशन सांसद के रूप में जिम्मेदारियों को समझते हुए केवल वीकेंड पर कमेंट्री करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, क्या भोजपुरी में आप भी आईपीएल देख रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हालांकि मजा बहुत आ रहा है।